हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईसीजी होती क्या है, ईसीजी की रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या है, हम कैसे उसे रिकॉर्ड कर पाते हैं, ईसीजी की जो वेवफॉर्म आप हमेशा देखते आए हैं उसका मीनिंग क्या है, एक एक डिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग है अगर इम्पल्स कंडक्शन की बात करें तो, और फाइनली ईसीजी की वेवफॉर्म्स की क्या वैल्यूज हैं और इनका क्या मीनिंग है, इनका फिजियोलॉजी क्या है बिहाइंड। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ईसीजी की रिकॉर्डिंग देखेंगे और कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हार्ट रेट कैलकुलेशन। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स, डिफरेंट सेगमेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले थ्योरी जान लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ईसीजी होती क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग है ये ईसीजी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, ये हम रिकॉर्डिंग जो है वो करते कैसे हैं? हम सरफेस पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे और हार्ट की एक्टिविटी को कैप्चर करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? इसे बोलते हैं वॉल्यूम कंडक्शन। वॉल्यूम कंडक्शन क्या होता है? जब हमारे किसी भी विसरल ऑर्गन में कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके वजह से भी इलेक्ट्रिकल इवेंट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये हार्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इवेंट हो रहे होते हैं, मतलब जब डीपोलराइजेशन होगी तो पॉजिटिव इन्फ्लक्स होगा सेल्स में, ठीक है, और बाहर जो है नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जो इम्पल्स बेसिकली होता क्या है कि जब भी इम्पल्स ट्रेवल हो रहा होता है, जब एक्शन पोटेंशियल होती है हार्ट में, तो आयनिक जो एक्सचेंज अंदर हो रहे होते हैं उसकी वजह से आयनिक एक्सचेंज बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां भी हो रहे होते हैं। ठीक है, अब सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ रहा है तो ये दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से एक वेव बन जाएगी जो जिस पोटेंशियल चेंज को हम ऊपर सरफेस इलेक्ट्रोड अगर दो लगाते हैं तो इन दो इलेक्ट्रोड की बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस है वो हम कैप्चर कर पाते हैं सरफेस के ऊपर। सेम कॉन्सेप्ट आपका ईजी के लिए लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट आपका अगर आप ईएमजी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, दैट इज वॉल्यूम कंडक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि वॉल्यूम कंडक्टर का काम करता है, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अंदर चल रही होती है वो हम बाहर कैप्चर कर सकते हैं एज चार्ज डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं। तो जो हमारी ईसीजी है वो समेटेड वेवफॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये सिंगल एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये समेटेड एक्शन पोटेंशियल्स हैं। ओके, जो जो अंदर हमारे पोटेंशियल चेंजेस चल रहे होते हैं वो सरफेस पे हम बेसिकली ये समेटेड वेवफॉर्म है। ठीक है, हम इसे समझेंगे इसका क्या मीनिंग है लास्ट में। पहले हम बात करते हैं कि हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसको, सरफेस पे इलेक्ट्रोड हम कैसे लगाते हैं। ओके, तो जान लेते हैं, हम आपने सुना ही होगा ईसीजी के लिए 12 लीड ईसीजी जो है हम यूज करते हैं, 12 लीड ईसीजी। अब 12 लीड का मतलब क्या है? 12 लीड में 6 लीड्स जो है वो होती है हमारी चेस्ट लीड्स। ठीक है, और 6 लीड्स जो होती हैं वो होती हैं लिम्ब लीड्स। ठीक है, अब पहली बात जानने की ये है कि लीड्स क्या होती हैं। लीड्स होती हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यहाँ इलेक्ट्रोड को हम लीड नहीं बोल रहे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड को लीड बोल रहे हैं। ओके, हम जानेंगे वो होता क्या है। तो बेसिकली आपको समझ आया, 6 चेस्ट और 6 लिम्ब लीड्स होती हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि ये कहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, इसकी एक और डिवीजन होती है 12 लीड ईसीजी की, एक होते हैं बाइपोलर और एक होती है यूनिपोलर। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर होता क्या है। बाइपोलर सिस्टम होता है जिसमें आपको दो इलेक्ट्रोड आपने सरफेस पे लगा दिए, दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच आपने मेजर किया है, इसे बोलेंगे हम बाइपोलर सिस्टम। ठीक है, लेकिन यूनिपोलर सिस्टम क्या है कि आप इसे एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं रखते। ठीक है, मान लो यहाँ कई है इलेक्ट्रोड हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये सबको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अब हम इन सबका चार्ज इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है जो कि एक्टिव नहीं है, इनडिफरेंट
इलेक्ट्रोड है जिसकी रेफरेंस में हम बेसिकली चार्ज डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिपोलर सिस्टम। ठीक है, ईसीजी में हम देखते हैं किसका क्या मीनिंग है। ओके, तो स्टार्टिंग विद बाइपोलर सिस्टम। ओके, बाइपोलर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, यहाँ देखिए बाइपोलर सिस्टम में क्या होता है, ये जो सिस्टम है इसमें आती हैं तीन लीड्स, लीड वन, लीड टू एंड लीड थ्री। फाइन, लीड वन टू थ्री, अब ये होती क्या है पहले ही देखते हैं। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, एंथ्रोवन साइंटिस्ट ने दिया था, जिसकी नाम से एंथ्रोवन ट्रायंगल भी बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर हर्ट को सेंटर में मान लिया जाए, ठीक है, और दो इलेक्ट्रोड शोल्डर पे और तीसरा इलेक्ट्रोड हम लेग की तरफ लगा दें, ठीक है, या फिर लेफ्ट थाई की तरफ लगा दें, तो एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, कीपिंग हार्ट एट सेंटर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है, अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों जगह का हम मेजर करें, तो एक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है बचे हुए दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। फाइन, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है कीपिंग हर्ट एट सेंटर। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, ये हम प्लेस करेंगे, ये हमारा राइट शोल्डर, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, इसीलिए आर्म बोलते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब हम शोल्डर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होते हैं उसके लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है तो हम यहाँ भी मेजर कर सकते हैं, तो आर्म पे भी इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। ठीक है, तो जो एंथ्रोवन ट्रायंगल है उसमें हम इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ लगाएंगे, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, लेग पे भी लगा सकते हैं, रियल पोजिशन जो है वो आपकी लेफ्ट साइड थाई है। ओके, तो इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी और हर्ट सेंटर में होगा। ठीक है, अब जब ऐसा एंथ्रोवन ने ट्रायंगल के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि राइट साइड जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो इसको दे दो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेफ्ट लेग जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो बचा हुआ क्या रह गया, अब देखो ये, देखो ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को चार्जेस दे दिए। अब लीड्स कैसे बनेंगी, ये ध्यान देने की बात है, लीड्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगी, तो राइट आर्म से लेफ्ट आर्म तक जो मूव कर रही है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे लीड वन। तो लीड वन क्या हुई, लेफ्ट राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ। ओके, प्रोवाइडेड ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके, अब लीड टू क्या हुई, राइट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ। लीड टू क्या हुई, राइट आर्म बीइंग नेगेटिव से लेफ्ट लेग बीइंग पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब ये है अगेन डायरेक्शन यही रहेगी पॉजिटिव की तरफ, लेफ्ट लेग की तरफ। तो लीड थ्री जो है वो क्या हुई, लेफ्ट आर्म बीइंग नेगेटिव से लेके लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग बीइंग पॉजिटिव। समझ आया, तो ये है बाइपोलर लीड्स, लीड टू ईसीजी जो कि हम हर कैलकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम राइट आर्म पे नेगेटिव लगाते हैं और लेफ्ट लेग पे जो है पॉजिटिव लीड लगाते हैं। तो इस तरीके से ये तीन लीड्स बन गई, लीड वन टू एंड थ्री। ठीक है, तो ये है लीड वन, ये है लीड टू एंड ये है लीड थ्री। ओके, समझ आया, तो ये है बाइपोलर लीड। ओके, अब बात करते हैं बाइपोलर के बाद यूनिपोलर क्या होता है एंड चेस्ट लीड्स क्या होती हैं। ओके, अब देखो इसी एंथ्रोवन ट्रायंगल से बेसिकली क्या हुआ, एक और यूनिपोलर लीड ड्रॉ की, बाइपोलर हो गया, अब हम बात करते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि हमें एक्टिव एक लेना है और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड हो गए। अब उसका क्या मतलब है, फिर से एंथ्रोवन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और बात करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो जो यूनिपोलर, पहले बात करते हैं हम लिंब लीड्स की, लिंब लीड्स, ठीक है, तीन लिंब लीड्स में से तीन हमने कर ली है, बची हुई तीन अब हम अब करेंगे। ठीक है, तो लिंब लीड्स कितने टाइप के होते हैं, ये इन्होंने बोला कि ये हो गया राइट साइड, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया लेफ्ट लेग। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, लिंब लीड होती है तीन टाइप की, ए बी आर, ए बी एल एंड ए बी एफ। ठीक है,
अब राइट साइड से क्या हुआ कि राइट साइड पे जो पोटेंशियल चेंज है उसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं। तो आपने देखा ये ए वी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। वी फॉर वेक्टर, तो यूनिपोलर का एक वेक्टर है एक्टिव इलेक्ट्रोड की वजह से, एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, वी नाम दे दिया यूनिपोलर लीड्स को। तो सारी यूनिपोलर लीड्स वी नाम से सुनोगे आप, ठीक है। तो ए सबके आगे ए लगा हुआ है, यानी ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर टू प्रीवियस वन अगर देखा तो ऑगमेंट मिला, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज डिफरेंस मिला, इसलिए ऑगमेंटेड वर्ड यूज किया है उन्होंने। तो ए वी सबके आगे है, डिफरेंस क्या है आर, तो ए वी आर क्या होगा वो जान लेते हैं। तो ए वी आर क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसको मान लिया हमने पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव, और हमारा नेगेटिव क्या हुआ, बचे हुए दोनों पोर्शंस को रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और इसको हमने मान लिया नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई ए वी आर, समझ आया, ओके। दोबारा बोल देते हैं दूसरे चार्ज के लिए, ए वी एल क्या होता है फिर, ठीक है, ए वी एल ये क्या होगा, हमने लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड को मान लिया पॉजिटिव और बचे हुए दोनों को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके इसको मान लिया हमने नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए वी एल की, ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया ए वी एल, ठीक है। अब फुट का जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हम लेफ्ट वाले जो लेफ्ट फुट है यहाँ पे एफ यूज होगा, ठीक है, इसको हमने मान लिया पॉजिटिव और बचे हुए दोनों को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके एक मान लिया नेगेटिव, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी ए वी एफ की, ओके। तो अगर अलग से इसको ड्रॉ करें तो ये हो गया ए वी आर, ये हो गया ए वी एल और ये हो गया ए वी एफ, ठीक है। तो आपको समझ आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने तीन इलेक्ट्रोड लगाए थे जिन्होंने हर्ट के साइड में नीचे की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाली एक्टिविटी को कैप्चर किया, ठीक है। अब सेंटर में तो कैप्चर नहीं किया, तो वो हमारी ऑगमेंटेड लीड कैप्चर करेंगी, ये ए वी आर, ये ए वी एल और ये ए वी एफ, ठीक है, समझ आया। तो टू डायमेंशनल प्लेन में हमने हर्ट की सारी एक्टिविटीज को मेजर कर लिया है। अब बचा क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हमने मॉनिटर किया ही नहीं, क्योंकि हार्ट जो विस्ट्रल ऑर्गन है उसमें व्हाट इफ अगर एक्शन पोटेंशियल साइड से साइड में जा रहा हो तो उसे कैसे कैप्चर करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा भी चाहिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है हमारे पोटेंशियल चेंज को, हार्ट के पोटेंशियल चेंज को मॉनिटर कर पाए, उसके लिए क्या है, उसके लिए है चेस्ट लीड्स, ठीक है। तो लिम लीड हमने कर ली 6, 3 ऑगमेंटेड लीड्स, यूनिपोलर लीड्स एंड 3 बाइपोलर लीड्स। अब बात करते हैं चेस्ट लीड्स, तो बेसिकली अब हमें चेस्ट के लिए क्या चाहिए, चेस्ट लीड्स क्या होता है बेसिकली, अगर ये हार्ट है, ठीक है, मान लो ये हार्ट है, तो ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें कुछ लीड्स चाहिए जो कि एक्शन पोटेंशियल को मॉनिटर कर पाए, तो इसीलिए होती है चेस्ट लीड्स, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं चेस्ट लीड्स जो कि होती है V1 से V6 चेस्ट लीड्स, ओके। अब चेस्ट लीड जो होती है, ये प्लेसमेंट देख लेते हैं हम कहाँ है, बहुत ही आसान है, याद करने की कोशिश करो। देखो V1 ये बेसिकली दोनों ही 6 के 6 लीड्स जो है दो स्पेस में होती हैं, दो इंटरकोस्टल स्पेस में, कैसे देख लेते हैं। तो पहले करते हैं बात V1 की, V1 ये देखो, ये थर्ड रिब है, ये फोर्थ रिब है, ये फिफ्थ रिब है, ये सिक्स रिब है, ओके। तो ये फोर्थ और फिफ्थ के बीच में हो गया हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और फिफ्थ और सिक्स के बीच में हो गया हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो ऐसे यहाँ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो V1 कहाँ रखेंगे हम, V1 रखेंगे हम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में यहाँ, ओके, और V2 रखेंगे यहाँ। तो V1 कहाँ हुई, फोर्थ स्पेस में हुई, प्लस राइट साइड ऑफ स्टर्नम, राइट साइड, ठीक है। V2 कहाँ हुई, फोर्थ स्पेस में ही हुई, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही, बट लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है, ठीक है। ये तो हो गई फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। अब इतना आसान है, ध्यान से देखना, V3 को एक मिनट के लिए भूल जाओ, V4, V5, V6 ये सारी की सारी आएंगी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब डिफरेंस क्या है, V4 को फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रखना है, लेकिन आप यहाँ क्लेविकल से मिड क्लेविकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब उस जगह पे आएगी V4, ठीक है, समझ आया, मिड क्लेविकल, और
V5 आएगी जब एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे आएगी V5, ठीक है, और मिड एक्सिलरी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे आएगी V6, ओके, तो समझ आया। V4 है हमारा मिड क्लैविकुलर लाइन। फिफ्थ है हमारा V5, यह है एंटीरियर एक्सिला, ठीक है, और V6 जो है हमारा बेसिकली मिड एक्सिला। अब ये चीज समझ आ गई, बेसिकली हमें तीन लीड्स लगानी है, एक हमारा क्लैविकल है उससे मिड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एंटीरियर एक्सिला से ड्रॉ करेंगे और एक मिड एक्सिला से ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से हमारी तीन लीड प्लेस हो जाएगी। तो ये सारी V5 में आती है, ये सारी V4 में आती है। बच गई V3। V3 होती है बिटवीन V2 एंड V4, ठीक है, ये हो गई हमारी चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट। तो आपको समझ आया रिकॉर्डिंग सिस्टम में हम कर क्या रहे हैं, हमने टू डायमेंशनल प्लेन में 6 लीड्स लगाई, 6 लिम्ब लीड्स, और हमने 6 हॉरिजेंटल प्लेन को मॉनिटर करने के लिए चेस्ट लीड्स लगाई। इस तरीके से हमने 12 लीड ECG लगाई है टू मॉनिटर ECG, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर में आती हैं दोनों चेस्ट लीड्स और लिम्ब लीड्स, ठीक है, ये हो गया रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि इस रिकॉर्डिंग सिस्टम से ये हमारी ECG वेवफॉर्म आई है, इसका क्या मीनिंग है, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, और ये क्यों है ऐसा कि कभी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है कभी नेगेटिव रिफ्लेक्शन, तो इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ECG वेवफॉर्म की। तो ECG में ECG वेवफॉर्म जो है ये जनरेट ऐसे क्यों हुई और इसका मीनिंग क्या है, तो पहले मीनिंग जान लेते हैं फिर आराम से बात करेंगे जनरेशन। तो हमें पता है कि ये वेव है जो ये है पी वेव, ठीक है, फिर एक कॉम्प्लेक्स है जिसे बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये वेव है जिसे बोलते हैं हम टी वेव, है ना, ओके। तो ये कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है जो आपको बताना चाहिए, पी वेव, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन के टाइम हो रही होगी, ठीक है, ये हम बात करेंगे अभी के लिए जस्ट। QRS कॉम्प्लेक्स है एक कॉम्प्लेक्स, ये है वेव। ध्यान रखना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपका ECG आता है एग्जाम में उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना होगा कि कितनी वेव्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से इंटरवल हैं, ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं पहले। तो पहले हम आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, दो वेव ये नज़र आ रही है और एक ही कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है ना, तो पहले इसकी बात करते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है किस वजह से, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिख रही, डीपोलराइजेशन लिख रही, ठीक है। एक है टी वेव क्या होता है, वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन, ठीक है, ओके। तो ये हो गई तीन वेव जिनके इवेंट्स हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन फॉर पी वेव, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फॉर QRS कॉम्प्लेक्स एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन फॉर टी वेव, ठीक है, ये तो हो गई तीन वेव। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स। आपको पता होना चाहिए कि कुछ इंटरवल्स होते हैं ECG में, कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ओके। अब इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या सेम है या फिर डिफरेंट है। तो याद रखना हमेशा सेगमेंट जो होते हैं वो हमेशा एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, ऊपर नीचे वेवफॉर्म नहीं जा रही होंगी। जैसे ये देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का सेगमेंट, इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि पी वेव का है ये पी, और क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स पे खत्म हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसे बोलते हैं PR सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट्स में लिख देते हैं इस चीज को PR सेगमेंट, ठीक है, ओके। एक और सेगमेंट दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है, तो ये क्या है, ये S और ये T, तो ST सेगमेंट, ST सेगमेंट, समझ आया। तो ECG में दो सेगमेंट्स होते हैं, PR सेगमेंट और ST सेगमेंट, जो कि दिखाते हैं कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। हम बात करेंगे कि क्या मीनिंग है इसका, अभी के लिए जस्ट सी की सेगमेंट दो होते हैं। अब बात आती है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल हमेशा सेगमेंट को मिला के कुछ वेवफॉर्म को साथ में मिला के बनता है इंटरवल। कैसे, देखो ये है PR इंटरवल, पी की शुरुआत से पी वेव को ले रहा है ये साथ में और PR सेगमेंट को ले रहा है यहाँ तक, ठीक है।
तो वैसे आपको दिख रहा होगा कि पी आर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम आर वेव तक नहीं जा रहे, हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत तक ही उसको काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के एंडिंग पॉइंट से हम एस टी सेगमेंट लेते हैं, इस पॉइंट से ये एस टी सेगमेंट है, ठीक है, और एस टी इंटरवल भी हमारा इसी पॉइंट से रहेगा, ओके। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को हम एक कॉम्प्लेक्स मानते हैं, अगर वहाँ से आर वेव तक काउंट करना है तो वो स्टार्टिंग से ही काउंट होगा, और एस वेव तक काउंट करना है वो भी स्टार्टिंग से होगा, ओके, एंडिंग पॉइंट से होगा, ठीक है, ओके। तो इंटरवल कितने हुए, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा ये एस टी इंटरवल या फिर क्यू टी इंटरवल, ओके। तो क्यू टी इंटरवल भी कुछ क्लिनिशियन यूज करते हैं और एस टी इंटरवल भी यूज होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल में इंटरवल्स की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी के लिए कुछ ड्यूरेशंस आपको पता होनी चाहिए जब आप ईसीजी डिस्क्राइब करते हैं। तो पी वेव जो है वो 0.12 सेकंड ड्यूरेशन की होती है, पी वेव, ठीक है। तो पी अगर पी आर इंटरवल की बात करें तो ये 0.2 सेकंड ड्यूरेशन का होता है, फाइन। पी आर तो देख लो, पी आर सेगमेंट कितना होता है, 0.08 समथिंग, राइट। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो 0.08 सेकंड का होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इससे 0.1 तक जा सकता है, ओके। एस टी अगर हम एस टी इंटरवल की बात करें तो ये 0.2 सेकंड होता है, क्यू टी इंटरवल सबसे लंबा होता है जो कि 0.35 टू 0.4 सेकंड होता है, ओके। तो ये हो गई ड्यूरेशन ऑफ ई सी जी। अब ड्यूरेशन ऑफ ई सी जी हो गई जिसमें आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि ये तीन वेव्स होती हैं इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ सेगमेंट्स होते हैं और कुछ इंटरवल्स होते हैं, तो क्लियरली बताएंगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। ये हो गई ई सी जी के बारे में बात है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि ई सी जी की वेवफॉर्म का मीनिंग क्या है, आखिर ई सी जी में कभी कभी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, कभी नेगेटिव होता है, इसका क्या मतलब है आखिर। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो अप्रोक्स आपको जो है मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा कुछ। तो चलो बात करते हैं, ये हो गई पी वेव, ठीक है, ये पी वेव, ये क्यू आर एस और ये टी वेव, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे हार्ट में इम्पल्स जब ट्रेवल कर रही होती है तो कब पी वेव जनरेट होती है, कब क्यू वेव, क्यों क्यू वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, क्यों आर वेव पॉजिटिव है, ठीक है, बस ये डिस्क्राइब करते हैं हम। अब बात करते हैं, हम एक हार्ट स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम हार्ट का चार चैम्बर बनाएंगे उसके, और हम देखेंगे कि इम्पल्स ट्रेवल कैसे हो रही है, ओके। तो सबसे पहले पी वेव की बात करते हैं, हमें पता है कि एसए नोड से पी वेव में क्या होता है, पी वेव में ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और एसए नोड से ये करंट जो है एट्रिया में फैल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पी वेव जनरेट होती है, पी वेव होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो एट्रिया में ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल हो रहा है उसी को हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे, तो ये होगी हमारी पी वेव का कोर्स, ठीक है। तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे हर वेव में क्या हो रहा है हार्ट में, ओके। तो ये पी वेव है जिसमें एट्रिया डीपोलराइज हुआ है पूरा का पूरा, और ये पी वेव आ गई है, उसके बाद बात करते हैं हम पी आर सेगमेंट की। अब पी आर सेगमेंट में क्या होता है, फिर से हार्ट ड्रॉ करते हैं, ऐसे ये हार्ट हो गया, चार चैम्बर हो गए। अब पी आर सेगमेंट में क्या है, ए वी नोड तक हमारी इम्पल्स पहुंच गई है और यहाँ पे ही रह गई है, अभी ये ट्रेवल कहीं नहीं हो रही, ए वी नोडल डिले आपने सुना होगा, बिकॉज ऑफ ए वी नोडल डिले ना तो हमारा पोटेंशियल ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो इसीलिए ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, और इसीलिए कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये सीधी जाएगी, ठीक है। अब बात आती है क्यू वेव की, तो ये फिर से हार्ड ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से इम्पल्स जो है वो इस सेप्टम में ट्रेवल हो रही है, ठीक है, ये जो इम्पल्स है ये यहाँ सेप्टम में जा रही है, सेप्टम में। अब सेप्टम में जब इम्पल्स जाती है तो उसकी डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन, आर यू गेटिंग मी, वो कैसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए वी नोड से बंडल ऑफ हिज में जो है जा रहा है इम्पल्स, ओके। अब देखो हर्ट जो है आपने देखा होगा, हर्ट का यहाँ बेस है और आगे की तरफ जो है एपेक्स होता है ना, तो जब
ऐसे हार्ट की एनाटमी बेस से एपेक्स की तरफ, तो जब वो जा रही होती है सेप्टम में, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट साइड हो जाता है इलेक्ट्रोड से, इसीलिए जो क्यू वेव है वो थोड़ी सी नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाती है। आप देख रहे हो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। हमारे हार्ट में ये मेन वेक्टर है। अब इस वेक्टर की तरफ जब भी करंट जाएगा वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, अपोजिट साइड जब मूव कर रहा होगा, इस तरफ मूव कर रहा है ना सेप्टम में क्यू वेव में, तो ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे सेप्टम में अपोजिट साइड जा रहा है, इसीलिए ये क्यू वेव जो है नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं आर वेव, तो फिर से हार्ट ड्रॉ करते हैं। अब क्या हुआ, फिर से हार्ट ड्रॉ करते हैं, सेप्टम अब डिपोलराइज हो गया है, ठीक है, और उसके बाद अब फिर से एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है सेम साइड में जो कि मेन वेक्टर की तरफ है, इसीलिए आर वेव जो है एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव वेव। अब उसके बाद हमारी आती है एस वेव। एस वेव क्या करती है? अब एस वेव जो है आपने देखा होगा, पहले ए बी नोड से यहाँ तक आया, यहाँ से सेप्टम में आया, सेप्टम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में जाने के बाद हमेशा ये पोर्शन जो है डीपोलराइज होना है, साइड वाला पोर्शन। अब साइड वाला पोर्शन क्योंकि हर्ट के एनाटॉमी ये है, तो साइड वाला पोर्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख रहे हो, एपेक्स से बेस की तरफ जब जाएगा तो बेसिकली इसे बोलते हैं बेसल डीपोलराइजेशन। तो आर वेव जो है किस वजह से है? बेसल पार्ट, बेस डीपोलराइजेशन की वजह से है आर वेव। और क्योंकि आर वेव अपोजिट डायरेक्शन में, आप देख रहे हो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मेन वेक्टर इधर है, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एस वेव जो है अगेन नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो आगे से अगर आपको कोई पूछे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, तो क्यू जो है, क्यू सेप्टल डीपोलराइजेशन, आर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और एस बेसल पार्ट डीपोलराइजेशन, इसलिए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को आप बता पाएंगे, ठीक है, अब समझ आया। उसके बाद जो है ये जो आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट है इसमें फिर से डिपोलराइजेशन हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, अब डिपोलराइजेशन कहीं मूव नहीं हो रही, जिसकी वजह से यहाँ फिर से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। ओके, अब बात आती है टी वेव की, ठीक है, टी वेव। अब टी वेव क्या है बेसिकली? टी वेव में अब रीपोलराइजेशन शुरू हो चुकी है और रीपोलराइजेशन का वेक्टर होता है ये, ठीक है। अब क्योंकि अपोजिट वेक्टर है लेकिन रीपोलराइजेशन का वेक्टर है, रीपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन से वैसे ही अपोजिट हो गई, इसीलिए जो मेन वेक्टर है वो बेसिकली हमारा होता है, ये पहले पॉजिटिव था नेगेटिव था, ठीक है, तो हमारा डिपोलराइजेशन वेक्टर जा रहा था इस तरफ, है ना। अब बात तो सेम ही है, अब ये नेगेटिव की तरफ जा रही है तो चीजें तो सेम ही है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई है, बट डायरेक्शन यहाँ रीपोलराइजेशन की चेंज हुई है, इसीलिए डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो। तो टी वेव जो है इट शोज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, समझ आ गया। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, पी वेव जो है एट्रिया से इंपल्स जा रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन इन सेम डायरेक्शन, सो पॉजिटिव वेव, ठीक है, सेगमेंट में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, पीआर सेगमेंट में आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, क्योंकि यहाँ से एवी नोडल डिले की वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई इंपल्स ट्रेवल नहीं हो रही, ठीक है। क्यू वेव जो है वो सेप्टम में डिपोलराइजेशन हो रही है इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए क्यू वेव नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। आर वेव में सेम साइड में वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हो रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। एस वेव में बेसिकली हमारा बेसल पार्ट डिपोलराइज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव डिफ्लेक्शन है अपोजिट साइड में, ठीक है, यहाँ आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है अगेन, क्योंकि पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो चुका है, इसीलिए अभी कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। टी वेव है हमारा रीपोलराइजेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ये पॉजिटिव वेव है बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला है कि हम किस क्यों बेसिकली हमारे ये पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव जो है वो क्यों आते हैं, इम्पल्स ट्रेवल किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्यों कौन सी वेव पॉजिटिव है और कौन सी वेव नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया ईसीजी के मेन कॉन्सेप्ट की ईसीजी जनरेट कैसे होती है, ईसीजी को रिकॉर्ड कैसे करते हैं और ईसीजी वेव्स का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
कि हम हार्ट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं और ईसीजी की रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं पेशेंट पे। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। मोस्ट वेलकम फॉर एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।